आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ की। गोपागंज प्राचीन माता काली मंदिर से 3 साल से धार उठता है, महिलाएं नंगे पांव 5 किलोमीटर का रास्ता तय पकड़ना पड़ता है। महिलाएं 9 बजे से 10 बजे प्राचीन माता काली के स्थान पर इकट्ठा हुई और महिलाएं हर घर से भीख मांगकर पैसा अनाज मंदिर पर इकट्ठा करके अध्यक्ष राधे सोनकर के हवाले कर देती है। हर घर से भेजा 235 रुपए अध्यक्ष राधे सोनकर के हवाले जमा करती है। राधे सोनकर पैसा को पूजा पाठ मंदिर बनवाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। माता काली का मंदिर दीवार गिरा देखकर रंग गए, पोती न होने पर भड़क गए। अध्यक्ष राधे सोनकर का विरोध शुरू हो गया। कुछ महिलाएं ने अध्यक्ष महोदय से हिसाब मांगने लगी। अध्यक्ष महोदय हिसाब देते हुए पद से इस्तीफा देने का मान लिया। विरोध होने के कारण दो गुट में बंट गया। समाज सेवी सितारा यादव ने कहा, जो मंदिर पर पैसा जमा होता है वो पैसा खर्च कहाँ होता है, उसका टोटल हिसाब जनता को चाहिए। ना मिलने पर सितारा यादव भड़क गई। सितारा यादव ने कहा कि एक कमेटी गठन करके जो भी पैसा मिलता है पैसा कमेटी में जमा हो, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पर खर्चा किया जाएगा। माता कोपेश्वरी माता मंदिर के अध्यक्ष संजय सोनकर, 70,000 रुपया था, 70,000 रुपए में 25,000 रुपया एक दिन को दे दिए, लेकिन धार से पहले उनको ये चाहिए था कि जहाँ जहाँ औरतें धार लेकर चलेंगी उस मंदिर को थोड़ा रंगाई पोताई करवा दिया जाए, ताकि लगे कि हाँ यहाँ धार्मिक कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसा हुआ नहीं। ये तो अध्यक्ष का काम है ना, न कि जनता का। अध्यक्ष को हम पैसा देते हैं काहे लिए? अध्यक्ष को पैसा इसीलिए दिया जाता है कि मंदिर जो जीर्ण शीर्ण पड़ा है, जिसका रख रखाव सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसको व्यवस्थित करें। केवल माला पहनने के लिए नहीं पैसा दिया जाता है। यहाँ पे जो दूध और कपड़े चढ़ा है पर यही जो माता जी का स्थान है, और आप देख सकते हैं कि यही। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम सितारा यादव है। आपके चैनल के माध्यम से आपको नमस्कार सभी लोगों को कर रहे हैं। अभी देखा जाए कि जो पूजा साल में तीसरे साल यहाँ पे होता है, आज पूजा का अंतिम दिन है, किस संबंध में आप क्या? आज के बाद लास्ट है, पूजा खत्म हो जाएगा, सभी लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, और जो भी झोला का मोटरी का पैसा है वो भी जिसके घर रहेगा वहाँ चला जाएगा। मगर देखा जाए यहाँ पे जो है पैसा मोटरी का, अकेले ये मामला समझ में नहीं आ रहा है, मामला है क्या? मामला यही है कि माता रानी के दरबार में इससे पहले पटहारी एक थी माली, तो कौन कहाँ के रहने वाली? वो बाजार की, वाजिदपुरा की, तो वो थी, तो ये धर्मशाला उनशाला बनवाई, थोड़ा मोड़ा काम हर मंदिर पर थोड़ा मोड़ा कराई, और जब से उनका आदमी मर गए वो तब से इस्तीफा अपना दे दी, तो राधे नेता हुए, अब ये जब से हो गए तब से कुछ भी काम नहीं दिख रहा है। आखिर क्यों काम नहीं दिख रहा है? यहाँ पे भेजा भी आता है, जो पैसा भेजा का आता है, चंदा का आता है, तो अपने खाते हैं अपने पीते हैं लोग, तो पैसा दिखेगा कहाँ से? जब काली जी में बनवाते, डी बाबा में बनवाते, समय माता में बनवाते, तो आदमी जाता तो धार देता तो दिख जाता कि हाँ काली माई बनी है, डी बाबा बने हैं, सभी लोग बने हैं, तो जो पी जाते हैं खा जाते हैं तो आता दिखेगा। मगर देखा जाए कि धर्म काम में राजे नेता जी बहुत काफी रुचि भी लेते हैं, मगर इसका क्या वजह पड़ी है कि जहाँ पे इस तरह की भावना जो है? अब हम चंदा देते हैं तो हम जब आपको हम चंदा दे रहे हैं तो मेरा हिसाब लेने का अधिकार भी आपसे है, तो जब हम हिसाब लेने लगते हैं तो ये भागने लगते हैं। तो आज मामला ऐसा क्या पड़ा है? मामला यही पड़ा है कि जब हम हिसाब मांगे तो इन लोगों ने भागने शुरू किया, और जब शुरू किए तो हम लोग सोचे कि नई कमेटी गठित की जाए, तो नई कमेटी भी गठित नहीं होने दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि नई कमेटी गठित हो जाएगी तो हमको कोई पूछेगा नहीं क्या इस मन। और 10 दुपहिया वाहन से ये सबको सबके घर घर एक एक घर में पहुंचता है, पहुंचाया जाता है कि कोई शिकायत ना करे, और हर मोहल्ले हर वार्ड में बंटवाया जाता है। नगर के लोग नगर से निकल के जो बाहर जरामगढ़ और अन्य जगहों पर गए हैं उनका विशेष ख्याल किया जाता है, उनके घर जरूर पहुंचाया जाता है। इसके बाद नगर के लोगों को मोहल्ले मोहल्ले गली गली बुला करके दरवाज़ा पीट करके दिया जाता है।
मगर कुछ लोगों का कहना है कि सही तरह से जो है कई घरों में प्रसाद नहीं मिला। आज मैं चौक पर जब सुबह गया हूँ, कई घर ऐसे हैं जो छूट गए उनको प्रसाद नहीं मिला। ये बताइए जो अपने घर पर नहीं है तो क्या उनके घर के दरवाजे पर प्रसाद रखा जाएगा? वो अपने घर पर नहीं थी। अभी रात की बात है, एक औरत अपने घर पर नहीं थी, मुझसे कही उसके घर में तुरंत प्रसाद भेजवाया आता हूँ, और जो पैसा बचता है उसी मंदिर उसी उससे पैसा मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण करता हूँ, और सभी मंदिरों का जैसे काली माँ का स्थान से लेकर कोपेश्वरी माँ और देह का स्थान और समय माँ का स्थान, सभी समय माँ का स्थान और इसके साथ प्राचीन गौरी शंकर मंदिर का भी मैं नवनिर्माण और पुनर्वास याद नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि काफ़ी दिनों से मैं ये करता आ रहा हूँ, आज का लगभग 25-30 साल से है कि माता जी का हार भी चोरी हो गया, उस संबंध में आप क्या कर रहे हैं? किसी ने मनौती माना था और उसका मनौती जब पूरा हो गया तो माँ का वो हार चढ़वाया, और किसी की नियत खराब हो गई और वो जा करके माता जी का मंगलसूत्र उतार लिया, उसका इंसाफ माता जी जरूर करेंगी, पूर्ण रूप से मुझे माता जी पर विश्वास। पार्टी लेकर जो है वहाँ पे जो विरोध उत्पन्न हुआ है, क्या मामला है? हुआ मामला ये है कि वो ये सब भी कब्जा में करना चाहते हैं। आखिर कौन कौन लोग हैं? ये हैं दयालु सोनकर, संजय सोनकर। क्यों क्यों ये जो है वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? ये नगीना मोदनवार बदनाम करने की, मुझे बदनाम करने की नियत से किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों उत्पन्न हुआ? जबकि पूरे नगर का लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास मुझे है, मुझ पर है, इसलिए कि जनता ने मुझको दो पैसा दिया है तो जनता के सामने मैंने भीख मांग करके 10 पैसे का काम दिखाया हूँ, और पूरे नगर की जनता मुझको तन मन धन धन से चाहती है कि नेताजी जब तक आप जीवित रहें।